कॉनकेव और कॉन्वेक्स में भी तुम लोग देखोगे, कॉनकेव में ना एक लिखा रहेगा कि डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं डेंटल। अगर किसी डेंटिस्ट के पास जाओ तो पता है ना, वो पहले ऐसा खट 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 बजा के देखते हैं, इधर दुख रहा है क्या, नहीं दुख रहा है तो उसको दुखा देता हो बजा बजे, पैसे ज्यादा मिलेगा नहीं कम मिलते, दुख रहा रहेगा तो निकाल नहीं सकता वो, उल्टा पे दो दिन का दवा बेच देता है वो, और फिर भी वो ऐसे बजा के तो देखता है। ये कितना चिल्ला रहा है ये देखते हो, नाटक तो नहीं कर रहे। ओके ठीक है, सो वो कैसे काम करता है, ठीक है अब ये वाला सोचो, हाँ ये मस्त है, सपोज ये है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, तो अब सपोज ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रहता तो इमेज किधर बनाता तुमको याद है, ये देखो बिहाइंड द मिरर बना था, इधर बना था ना, यहाँ से ऐसा स्ट्रेट तो फोकस से जाएगा याद है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक आता है और वो ऐसे ही चला जाएगा, तो भाई यहाँ पे कहीं तो भी मीट करता है बराबर, ऐसे है ना। अब सोचो कि ये दांत है, दांत अच्छा हाँ, दांत को दो पैर नहीं ऐसे रहता है वो गम के अंदर रहता है, और इधर वेन्स भी रहता है ऐसे बहुत सारे, जो वेन्स ठीक है छोड़ो मैं ओके पढ़ा रहा हूँ। सो यहाँ पे वो दांत है ना तुमको इधर दिख क्या ये सीधा दिख रहा है वर्चुअल, क्या ये इरेक्ट है, क्या ये मैग्नीफाइड है, ओके तो डेंटिस्ट अगर तुम्हारे दांत को वो मिरर के एकदम नजदीक लेके आता है ना, ठीक है अगर दूर से देखेगा तुम्हारे दांत उल्टा दिख सकते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि ऊपर का दांत तोड़ना था नीचे का दांत तोड़ वाइस वर्सा, ठीक है सो डेंटिस्ट है ना वो कॉनकेव मिरर को एकदम नजदीक लेके आएगा, जिधर भी उसको देखना है ना वो एकदम दांत को टच कर देता है वो, समझ रहे क्यों करता है, हमको लगता है यार परेशान कर रही है ये मिरर था तो दूर से भी देख सकता था ये पंडा, ठीक है वो दांत को किधर रखेगा इन द फोकल लेंथ, पोलर फोकस के बीच में रखेगा, तो वही दांत उसको कैसे दिखेगा वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, ऊपर का दांत ऊपर ही दिखेगा सिर्फ बड़ा दिखेगा, समझ रहे नीचे का दांत नीचे ही दिखेगा लेकिन बड़ा दिखेगा, ओके तो ये डेंटिस्ट मिरर।